गाइस एग्जांपल नंबर 60 को देखो। एग्जांपल नंबर 60 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। आपसे कह रहा है द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। आपके पास ट्यूनिंग फोर्क देखा आपने किस तरह का होता, ये शेप होती है ट्यूनिंग फोर्क की, ये शेप होती है। जब आप इसको ऐसा करते हैं ना घुन, इस तरीके से वाइब्रेशन आते हैं। तो हमसे कह रहा था पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड्स ऑन द लेंथ। देखो वाइब्रेशन, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और यंग्स मॉडुलस पर डिपेंड कर रहा है, बस खत्म। आपको फॉर्मूला ड्राइव करना, सीधी सिंपल सी बात है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन पर डिपेंड कर रही है उसमें लिख लो। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको पता है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है डिपेंड कर रहा है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ तो लेंथ की पावर है, डेंसिटी डेंसिटी की पावर बी, एंड यंग मॉडुलस और इसकी पावर सी। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा देंगे, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा टी इज इक्वल टू के एल की पावर ए डी की पावर बी और गामा की पावर सी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे। आपको पता है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड का तो टी होता है, के कॉन्स्टेंट है इसका कुछ नहीं होगा, एल लेंथ है तो लेंथ का तो भाई एल ही हो जाएगा, एल की पावर है, और डी डेंसिटी है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का होता है एल का क्यूब, तो मास अपॉन वॉल्यूम ये हो गया एल डी का, इसकी पावर बी है। वहीं यंग्स मॉडुलस को देखोगे तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस। अच्छा स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, जो स्ट्रेस का निकल कर आएगा वो यंग्स मॉडुलस का होगा, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स निकालते हैं एम एल टी माइनस टू से, एरिया होता है एल टू, एक एल से एक एल कट जाएगा, एम एल माइनस के वन टी माइनस के टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू ये हो गया इसका, एम एल माइनस के वन टी माइनस के टू इसकी पावर सी। ठीक है, अब ये टी है इसके पास तो एम नहीं है, न इसके पास एल है, ये सिर्फ टी है, तो आपने ऐसे लिख दिया इसको। अच्छा देखो एम कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है एम और यहाँ पर है, एम की पावर है यहाँ पर बी, तो आप यहाँ एम की पावर बी कर दोगे, और एम की पावर सी ये है तो बी प्लस का सी हो गया। अब एल का नंबर है, एक एल यहाँ है, एक एल यहाँ है और एक एल यहाँ है, तो मैं इसको एक अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ, बी प्लस सी ये तो हो गया, एल का मसला आया ना, तो एक एल ये है, एक एल ये है और एक एल ये है, तो एल की पावर एम के बाद एल की पावर यहाँ पर ए है, एल की पावर यहाँ पर माइनस के थ्री बी है, और एल की पावर माइनस के सी हो जाएगा, तो ये एल की पावर हो गई, तो एम भी हो गया एल भी हो गया। अब आता है टी, तो यहाँ पर देखेंगे टी कहीं नहीं है सिर्फ यहाँ है, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टू सी। इन सारी बातों में बात खत्म हो गई। अब आप क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं कि ये भी डायमेंशंस लिखी हुई है एम एल टी में, ये भी एम एल टी में, अब ये इक्वल है, तो इक्वल तभी हो सकती हैं जब ये डायमेंशन जो है इनकी पावर्स भी इक्वल हो, तो आप इनको इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग पावर्स, इक्वेटिंग पावर्स, जब इनकी पावर्स को इक्वेट करोगे तो बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के। वहीं ए माइनस के थ्री बी माइनस के सी ये किसके बराबर आ जाएगा, एल की पावर जीरो, जीरो के, और टी की पावर माइनस के टू सी, माइनस के टू सी ये किसके बराबर आ जाएगा, टी की पावर वन है तो वन के। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर आपको कहाँ से शुरुआत करें, तो सी से शुरुआत कर लें, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकल कर आ रही है माइनस के हाफ, इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो बी माइनस के हाफ इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ, तो बी की वैल्यू भी आ चुकी है, सी की वैल्यू भी आ चुकी है, और बी और सी की वैल्यू को रख दो यहाँ पर, तो ए माइनस के थ्री, बी की वैल्यू कितनी है हाफ है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस के हाफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के हाफ इज इक्वल टू जीरो, ए माइनस के थ्री बाई टू प्लस के हाफ इज इक्वल टू जीरो। अब देखो थ्री बाई टू है, थ्री बाई टू का मतलब क्या होता है, एक तरह से 1.5, डेढ़, डेढ़ माइनस का और आधा प्लस का, तो एक रह जाएगा वो भी माइनस का, तो ये आ जाएगा ए माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए इज इक्वल्स टू वन। तो आपके पास ए भी आ चुका, बी भी आ चुका, सी भी आ चुका, ए बी सी की वैल्यू को कहाँ पुट कर दो आप, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आप करो पुट, आप करो पुट ए कोमा बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपको क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू के एल की पावर ए, ए कितना वन, वन लिख दिया आपने, d की पावर b, b कितना आपके पास हाफ, और वहीं
यंग्स मॉडुलस गामा की पावर सी, और सी कितना अगेन माइनस के हाफ है। मैं सामने खड़ा हूँ, अब नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई देगा। अरे सर आप सामने खड़े होते हैं तो बस जलवे आपके ही होते हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। अब दिखाई दे रहा है। तो t इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, के एल डी की पावर हाफ का मतलब है रूट डी, और गामा की पावर माइनस हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट गामा। तो आपके पास t इज इक्वल टू आ जाएगा के एल स्क्वायर रूट डी अपॉन गामा। होप सो यही आंसर आ रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। के एल स्क्वायर रूट डी अपॉन गामा, के एल स्क्वायर रूट डी अपॉन गामा, यस। तो डायमेंशनली आप इस तरीके से फॉर्मूला निकाल लोगे, डरना नहीं है। आप ये देखोगे किसकी डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है बाकी चीज़ों पर। तो उसने कह रखा टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी है बाकी चीज़ों पर, किस किस पर, डेंसिटी पर, लेंथ पर, यंग्स मॉडुलस पर। तो आंखें बंद करके हमें समझ नहीं आ रही लैंग्वेज क्या कह रही है, बस देखो किसकी डिपेंडेंसी किन पर है। तो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी इन पर है, आप आंखें मीच के निकाल दो। बाकी आपसे डायमेंशनल पर, डायमेंशनल फॉर्मूले पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। थैंक यू।